हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यस्टरडे का टास्क बहुत डिफिकल्ट था, बट सबने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बहुत ही अच्छा सबने बनाया है। टुडेज टॉपिक इज फ्लोरल बंच। फ्लावर से मैं यहाँ पे स्टार्टअप कर रही हूँ। हमने जितने भी फ्लावर सीखे हैं, इफ़ यू वांट टू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं 3 पेटल ऐड कर रही हूँ। देन 3 पेटल में यहाँ पे मैं रैंडम शेप में पेटल क्रिएट कर रही हूँ। जिन्होंने फिलर के डिज़ाइन की प्रैक्टिस नहीं की है, देन जिन्होंने फ्लावर की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए ये टास्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगेन 2 पेटल्स के बीच में मैं 1 पेटल यूज़ कर रही हूँ। नाउ कंप्लीट। सबसे पहले फ्लावर को मैं अप टू डाउन ज़िगज़ैग शेड से फिल करूंगी। Dislike. अप टू डाउन की डायरेक्शन में मैं zigzag शेडिंग कर रही हूँ। कल का वीडियो मैंने IGTV पर रखा है, बिकॉज़ वो सबके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, इस वजह से उसको मैंने सबके लिए रखा है। बट आज का फ्लोरल बंच का वीडियो नहीं रहने वाला है, वो 10 o'clock तक ही रहेगा। देन स्टोरी मेंशन का जो टाइमिंग है वो मैंने बढ़ा के 2 o'clock तक कर दिया है, तो जिनको भी मेंशन करना है 2 बजे तक आप कर सकते हो। बिकॉज मॉर्निंग में मेरे क्लासेस रहते हैं 10:30 to 1 o'clock, तो उस बीच में मैं किसी की स्टोरी सीन नहीं कर पाती हूँ या मेंशन नहीं हो पाती है। तो सबने कॉल कर करके बहुत परेशान किया है, मैम मेरी स्टोरी ऐड नहीं हुई है, क्या हुआ आपने सीन नहीं किया। तो इतनी सारी स्टोरीज है, तो मे बी किसी का मेंशन नहीं होता है या किसी का सीन नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो आप उस स्टोरी की आप टेंशन मत लो, हमारा जो शेड्यूल जैसे फ्री होता है उस हिसाब से मैं ऐड कर दूँगी। इस वजह से मैंने थोड़ा टाइमिंग आप लोगों का बढ़ा दिया है। और जिनकी भी मेंशन नहीं होती है, तो आप प्लीज़ कॉल करके मत बोलो कि मेरा मेंशन नहीं हुआ है। आपका day 1 से जिन लोगों ने कम्प्लीटली फॉलो किया है, तो उनका मैं लिस्ट में नाम में रेगुलर ऐड करती हूँ। और जिनको भी कॉल पे बात करनी है, आपको कॉल पे कुछ भी पूछना है, तो आप 2 o'clock से लेके 3 o'clock के बीच में आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद मेरे सारे बैच कंटिन्यू रहते हैं,
तो फिर मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, तो फिर आप लोग बोलते हो कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। आउटलाइन बॉर्डर, देन हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था उसको लाइटली बॉर्डर देना है। जितने फ्लावर हम लोगों ने सीखे हैं वो सारे फ्लावर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देन यहाँ से मैं डॉटेड मार्जिन में एक पिकॉक क्रिएट कर रही हूँ डाउन साइड के पोर्शन पे। यहाँ से इसका नेक का पोर्शन, देन जो मेरा एरिया है यहाँ वाला जो आइस का जो पोर्शन है वहाँ तक मैं कंटिन्यू इस लाइन को क्रिएट करूँगी। देन आइस के पोर्शन से मैं राउंड शेप में स्टमक पार्ट इसका जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। डॉटेड डॉटेड मार्जिन में ही आपको ये करना है, फाइनल लाइन क्रिएट नहीं करनी है। देन टर्निंग में मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करके यहाँ पे डॉट क्रिएट कर रही हूँ। देन लेफ्ट साइड से थोड़ा सा पॉइंट लेके यहाँ से मैं उसको टर्न करूँगी मैंगो शेप। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ स्टमक पार्ट राउंड शेप में। फाइनल लाइन जो है वो आपको नहीं निकालनी है। ये जो ड्रॉ का जो सिस्टम है वो आपको सरफेस को टच करके ही करना है। मेरी आने वाली डिज़ाइंस में इतना सेटअप मोस्टली यूज़ होगा ही होगा, तो जिनका आज अगर क्लियर नहीं होता है तो डिज़ाइन करते करते उन लोगों की ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन यहाँ पे मैं लीव्स क्रिएट कर रही हूँ। अप टू डाउन सो फ्लोरल बंच का एक रूल है, कभी भी न्यू जब हम शेप को स्टार्टअप करते हैं, जो भी न्यू शेप हम स्टार्ट करेंगे वो विदाउट किसी सपोर्ट के बिना न्यू शेप का स्टार्टअप नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट के लिए दो लाइन का यूज़ किया है। देन नेक्स्ट स्टेप जो ली है वो यहाँ पे मैंगो वाला जो शेप लिया है, दो लाइन के बाद ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। अगर आप ऐसा पिकॉक बना के डायरेक्ट मैंगो शेप अगर लेते हो तो दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। तो एवरी शेप के बाद हमेशा आपको सपोर्ट देना ही है। वापस से मैं यहाँ पे डॉट क्रिएट कर रही हूँ। देन लाइन नेक्स्ट लाइन
लाइन के बाद राउंड शेप में मैं लंबी सी यहाँ पे पेटल ऐड कर रही हूँ। अगेन लाइन एंड डॉट। फिर स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है ये पोर्शन को, यहाँ पे डॉट के साथ। राउंड शेप में लीव्स, देन वापस से टर्निंग के साथ लाइन लेके डॉट, इस तरीके से। अगेन हाफ राउंड लेके जो भी चीज़ें हमने सीखी है उन्हीं चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आज। थ्री लाइन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। अब कंप्लीटली हम उसको स्टेप बाय स्टेप फील करेंगे। अब ये पोर्शन पूरा बाकी है, बिकॉज पूरे पोर्शन को आपको फील करना है। तो हम स्टार्टअप नीचे से नहीं करेंगे, आपको हैंड ऊपर करके फिर फिल अप करना होगा, अदरवाइज सारी डिज़ाइन जो है वो रिमूव होते जाएगी। इस वजह से पूरा पहले सेटअप करना है, उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप उसको फिल अप करना है। तो सबसे पहले हमने फ्लावर का सेटअप किया, उसके बाद पिकॉक बनाया, पिकॉक के बाद यहाँ पे मैंगो वाला शेप लिया, उसके बाद ये हाफ राउंड का शेप क्रिएट किया। पिकॉक की जो फिलिंग की जो डिटेल है, सबसे पहले आइज का पोर्शन मैं क्रिएट करती हूँ हमेशा। देन मुझे सिंपल आइज बहुत पसंद है, तो मैं राउंड शेप में ऐसे डॉट करके पिकॉक की आइज क्रिएट करती हूँ। देन पिकॉक की आइज वाला जो पोर्शन है उसको इस तरीके से फिल करती हूँ। आइज के एग्जिट नीचे पिकॉक की बीक, एग्जिट नीचे पिकॉक की बीक क्रिएट करनी है। देन फर्स्टली ये बॉर्डर मैं हमेशा फर्स्ट में ही कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट नेक के पोर्शन को मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ। देन जो हमने फिलर के डिज़ाइन जो सीखे थे वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। स्केलप की लाइन 4, देन स्मॉल राउंड, हाईलाइट बॉर्डर, तीन तार वाली पतली लाइन। जो रूल हमने फिलर में सीखे थे वो रूल को ब्रेकआउट नहीं करना है, वही रूल को लेके मैं फीलिंग कर रही हूँ।
शिप के अंदर. देन सेंटर पोर्शन में मैं सेंटर से यहाँ से जिगजैग स्टार्ट किया है. क्रॉस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन नहीं क्रिएट करनी है, थोड़ा सा क्रॉस. अगेन इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लाइन, क्रॉस लाइन. नेक्स्ट सिंपल वाली लाइन पतली. अगेन स्कैलप. जो भी फिलिंग हमने सीखी है वही फिलिंग हम इसमें कर रहे हैं, फिलर के डिजाइन वाली. नेक्स्ट स्पाइरल करके डॉट, देन सिंगल स्कैलप की लाइन, डबल स्कैलप की लाइन. नेक्स्ट यहाँ पे जो स्मॉल पोर्शन है उसको इस तरीके से क्लियर करना है. देन इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे. लूज वाला पोर्शन पहले फिल करना है. नेक्स्ट यहाँ से मैं इसका बॉर्डर क्लियर करूँगी. बीक के पोर्शन को यहाँ से फिल करना है. देन फाइनल आउटलाइन बॉर्डर. देन ये वाले पोर्शन को फिल करूँगी. उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करना है. अगेन स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ. देन स्कैलप.
सर्कल करके सेंटर में डॉट, देन डार्क बॉर्डर, स्केल अप की लाइन, सिंगल देन डबल, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करवाया मैंने, सिंपल एंड इजी है थोड़ा सा, बाकी हम डिज़ाइन में थोड़ा डिफिकल्ट करने वाले हैं। सिंगल स्टॉक के लीव्स, लाइन लेके डॉट को खींचना है, इस तरीके से, देन हाफ राउंड, इस तरीके से आउटलाइन बॉर्डर को फील करना है। देन सिंगल डबल, यहाँ पे एरिया कम है तो हम एक लाइन ही यूज करें, डबल ही यूज करेंगे। देन इतना सा पोर्शन अगर आपका बचता है तो उसके अंदर किसी भी न्यू डिज़ाइन को एडजस्ट नहीं करना है, स्केलप से ही हम इसको फील करेंगे। देन इसका आउटलाइन बॉर्डर, अगर आप बिगनर हो तो डायरेक्ट बॉर्डर अगर नहीं बनता है तो आप इस तरीके से आउटलाइन लाइट पोर्शन में आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, देन डबल लाइन लेके उसको फील करना है। अप पोर्शन पे थोड़ा सा बॉर्डर लाइट रहेगा, सेंटर पोर्शन पे थोड़ा सा ब्रॉड, देन डाउन पोर्शन पे थोड़ा सा लाइट, स्टमक पार्ट थोड़ा सा थिक करूँगी मैं, देन अप बॉर्डर जो है वो मेरा लाइट रहेगा। देन इस पोर्शन में हम यस्टरडे हमने जो चेक्स के जो डिज़ाइन सीखे थे उनका यूज़ करेंगे।
यहाँ पे हाफ इस तरीके से क्रिएट करना है। एक साइड का पोर्शन मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, देन लेफ्ट साइड का पोर्शन मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। तो जिन लोगों को ये चेक्स कल समझ में नहीं आई थी तो वापस से आप देख लो, रिपीट हो जाएगी। इसका कल जो सीखा था उसका यूज़ ऐसे होता है, ऐसे यूज़ कर रही हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है। इस तरीके से देन फर्स्ट स्टेप जो थी हमारी, ये कंप्लीट होने के बाद आउटसाइड एरिया को फील करना है डार्क पोर्शन से। पूरी स्टेप हम ये क्लियर करेंगे पहले डार्क पोर्शन से। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आपको फिलअप करना है तो आप फिलअप भी ले सकते हो। बहुत सारे जो फिलर के डिज़ाइन है जो हमने सीखे वो सब यहाँ पे इस पोर्शन में यूज़ हो सकते हैं। बट आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने जो चेक सिखाई थी उसका यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। देन अप टू डाउन शेड, डाउन टू अप,
इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सारी पेटल्स में शेड करेंगे। सो इतना अच्छे से आप लोग करोगे तो बहुत अच्छे से ही बनेगा, अगर फास्ट स्पीड पकड़ोगे तो अच्छा नहीं बनने वाला है। जितने भी चेक्स के डिज़ाइन किए हैं वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जितनी भी डिज़ाइन मैंने सिखाई है अब तक उन्हीं डिज़ाइन का यूज़ हम आने वाले डिज़ाइंस में करेंगे। कल की जो डिज़ाइन रहेगी वो टास्क है सबके लिए, देन सरप्राइज भी है। ट्रायंगल शेप को हम शेड से थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे। देन आउटलाइन इसका बॉर्डर, अभी हमारे पास हाफ एन आवर है, सो इसी के साथ में मैं कुछ और नया करवाने वाली हूँ। देन स्केल अप की लाइन, स्केलअप की लाइन हाफ हाफ करके ही करनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने हाफ हाफ पोर्शन पे ही क्रिएट किया है। देन यहाँ पे मैं लीव्स क्रिएट करूँगी, सिंगल स्ट्रोक देन डबल स्ट्रोक।
ये कंप्लीट करके हम एक और नया टॉपिक करने वाले हैं आज। कंटिन्यूसली लीव्स को एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट करना है, सिंगल स्ट्रोक देन डबल स्ट्रोक। देन सेंटर पोर्शन पे डॉट, इस तरीके से। कनेक्टेड लीव्स डॉट इस तरीके से। देन एक लाइन में यहां से क्रिएट करूंगी सेंटर पोर्शन से कैसे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसी में। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, जस्ट वन मिनट। ओके, तो मेरा एरिया कम है, इसी पेज पे ले रही हूँ मैं। सो हाउ टू मेक लोटस सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से एल शेप क्रिएट कर रही हूँ। देन राइट साइड से एल शेप क्रिएट करके उसको कनेक्ट करना है। यहां से लोटस की पेटल को क्रिएट कर रही हूँ। लोटस का एक रूल है, वो आपको हमेशा याद रखना है। जो भी पेटल्स आप क्रिएट करते हो वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के सामने ही आनी चाहिए, कोई भी पेटल अप डाउन नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड जो मैं स्टेप लूँगी वो डाउन साइड पूरी नीचे की साइड में यहाँ पे बना रही हूँ। ये पेटल्स के बाजू में आपको अप साइड पेटल नहीं क्रिएट करनी है, अदरवाइज वो लोटस जो होगा वो बंद लोटस होगा। जैसा लोटस का लुक आना चाहिए वैसा लोटस का लुक नहीं आएगा। सो सेकंड स्टेप को हमेशा आपको डाउन साइड में जितना हो सके नीचे के साइड में लेना है। देन अगेन थर्ड स्टेप आप देख सकते हो ये जो मेरा पूरा लोटस है वो खुला हुआ है लोटस। देन अगर आपका रॉन्ग होता है वो लोटस, आपकी मिस्टेक कहाँ पे होगी वो भी मैं बता देती हूँ।
सो ये लोटस रॉन्ग है. देन जो पूरा खुला हुआ है लोटस की सारी जो पेटल्स है वो एक एक डायरेक्शन में सारे डायरेक्शन में खुली हुई है वो इस तरीके से होनी चाहिए. अदरवाइज आपकी ऐसी पेटल्स आती है तो ये पेटल्स के अकॉर्डिंग ये लोटस आपका रॉन्ग होगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी में मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से डाउन साइड के ड्रॉप शेप क्रिएट करना है. देन जो भी आपका पेपर है वो आपको घुमा घुमा के नहीं करना है. देख सकते हो मैं रेगुलर जो भी डिज़ाइंस बनाती हूँ मैं एक भी बार जो पेपर को है मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाती हूँ. मैं हैंड को ही यूज़ करती हूँ. सेकेंड स्टेप देन थोड़े से अपसाइड और थोड़ा सा क्रॉस डायरेक्शन में मैं लोटस क्रिएट कर रही हूँ. और इसी लोटस की प्रैक्टिस आप लोगों को आज करनी है. नेक्स्ट डे इसी से रिलेटेड कुछ टास्क होने वाला है. इसका यूज़ कैसे होगा कहाँ पे होगा वो कल मैं यूज़ करूँगी. जस्ट फॉर द प्रैक्टिस मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा रही हूँ. फर्स्ट में हमने थ्री पेटल्स ली थी 1 2 3. देन सेकंड जो लोटस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्रिएट किया है एक डाउन साइड थोड़ा क्रॉस. देन दोनों में मैंने दो दो पेटल्स का ही यूज़ किया है. यहाँ पे राउंड शेप देन एक लोटस को कनेक्ट करके दूसरे लोटस के बीच में से मैं यहाँ से लाइन क्रिएट कर रही हूँ. इस तरीके से डबल लाइन देन डाउन साइड ये अप टू डाउन हमारी जा रही है लाइन. नेक्स्ट यहाँ से डाउन साइड में दो पेटल्स क्रिएट करनी है. जो एरिया हमारा एम्प्टी है उस एरिया को किसी भी शेप से आप फील कर सकते हो. तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ राउंड शेप यहाँ पे आपको यूज़ करना है. देन यहाँ पे मैं 1 उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 पेटल्स का यूज़ कर रही हूँ. देन जो पोर्शन एम्प्टी है वहाँ पे मैं राउंड यूज़ कर रही हूँ. देन लोटस में हम शेड करेंगे फॉर द शेडिंग. सेम टेक्निक जो मैंने फ्लावर में यूज की थी मैं ईयरबड से करूंगी. अप टू डाउन के साइड स्ट्रोक
स्ट्रोक जैसा आपको क्रिएट करना है, शेड डाउन टू अप, इस तरीके से। सेंटर पोर्शन में मैं डॉट क्रिएट कर रही हूँ। देन आउटसाइड बॉर्डर को इस तरीके से डार्क करना है। सो ये फाइनल फिल करने के बाद जो डिज़ाइन हमारी क्रिएट होगी वो है कटवर्क। देन आउटसाइड बॉर्डर जो रहेगा वो हमारा थिक रहेगा। सारे आउटलाइन बॉर्डर वन बाय वन करके आपको क्लियर करने हैं। देन इस तरीके से छोटे छोटे जो पोर्शन है उसको इस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट ये लाइन को यहाँ से मैं फिल कर रही हूँ, यहाँ से डार्क बॉर्डर। इसका आउटलाइन बॉर्डर, देन जो सेंटर पोर्शन की डाउन साइड की जो लीव्स है उसमें मैं हल्की सी एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं हमेशा वापस आउटलाइन बॉर्डर ज़रूर देती हूँ। जितना भी पोर्शन हमने ड्रॉ किया है उस पे आउटलाइन बॉर्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने तीन डायरेक्शन के आज लोटस यूज़ किए हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर पोर्शन में। सो आउटलाइन बॉर्डर के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, इस तरीके से कुछ दिखेगा।
जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का भी टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है। फ्लोरल का बंच कहाँ यूज़ होता है, हम डिज़ाइन जब क्रिएट करेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। फ्लोरल का बंच मेहंदी डिज़ाइन में ही यूज़ होता है। फॉर द स्टार्टअप हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंटर पोर्शन पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो जिनके भी जो भी डाउट है वो डिज़ाइन में क्लियर हो जाएंगे। फातिमा, आउटलाइन बॉर्डर दोबारा लेना ज़रूरी है मैम? नो, मुझे आदत है इसलिए मैं लेती हूँ, मुझे फिनिशिंग के लिए अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है आउटलाइन बॉर्डर लेना। जिनके भी जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हो।